Hello everyone, students. As you know, in the last lecture we had completed this chapter. Today, that is birds. Today we are going to solve the exercise of this chapter. Let's start from the section A. सेक्शन ए में ओरल क्वेश्चन और साइंस क्यूज है, ये आपको ओरली सॉल्व करनी, कहीं पे लिखनी नहीं है. नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी, यानी कि जो बर्ड्स की बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं, जैसे कि बीक, आईज, फैदर्स, बॉडी फैदर्स, टेल्स, विंग्स, क्लॉज, लेग्स, ये सब आप लिखेंगे. ठीक है. वाई डू बर्ड्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बीक्स, बर्ड्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बीक्स क्यों है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ फूड टू ईट, यानी कि जी अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप का खाना खाती हैं, तो उन्हें उसी के बेसिस पे उनकी अलग अलग टाइप की बर्ड बीक्स हैं. वॉट आर टेलॉन्स, टेलॉन्स क्या होते हैं, टेलॉन्स वो होते हैं जिनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और वो फ्लैश ईटिंग होते हैं बर्ड्स. ठीक है. फिर है नेम टू बर्ड्स दैट हैव शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक्स, जिनकी शॉर्ट बीक हो और हॉर्नी हो, तो पिजन्स हो गया, पिकॉक हो गया, इन सब की शॉर्प और हॉर्नी बीक्स होती हैं. फिर नेम अ बर्ड्स दैट मेक्स होल्स इन अ ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक्स में जो होल्स बनाती है दैट इज द वुड पिकर. ठीक है. फिर है नेम टू बर्ड्स ऑफ अ प्रे, प्रे यानी कि जो फ्लैश ईटिंग यानी कि जो अपना शिकार करके फिर खाना खाती हैं, दैट इज द वल्चर्स, काइट, ये सब इसमें, ईगल, ये सब इसमें आएंगे. ठीक है. फिर वर्कशीट है, ये आपको बुक के अंदर फिल करना है. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, विंग्स के थ्रू वो फ्लाई करती हैं. विच ऑफ द फ्लाइंग फॉलोइंग बर्ड्स इज अ रनिंग बर्ड, यानी कि जो रनिंग बर्ड्स हैं दैट इज स्पैरो, पिजन या फिर ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच इज अ रनिंग बर्ड, उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, अपने देखा है ये फ्लाई नहीं करती हैं, स्पैरो और पिजन तो फ्लाई करते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो दूसरों का दूसरे ही जो बर्ड्स मांस खाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें प्रेइंग बोलते हैं. ठीक है. फिर है पेंगुइन मेक्स इट्स नेस्ट विद पेबल्स एंड स्टोन्स, आपको मालूम है वो कोल्ड प्लेसेस पे घास और ये सब तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो पेबल्स और स्टोन्स से अपना नेस्ट बनाती हैं. फिर है सर्कल द ऑड वन, वल्चर, पिजन और क्रो, पिजन और क्रो एक टाइप की बर्ड्स हैं, वल्चर दैट इज द प्रेइंग बर्ड, तो ये वल्चर होगा. डक, स्वैन और क्रेन, तो क्रेन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बर्ड, तो यहाँ पे क्रेन. काइट, स्पैरो एंड वल्चर, अब काइट और वल्चर प्रेइंग बर्ड्स है तो स्पैरो इज अ ऑड वन. फिर इसके बाद है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, एंड ऑस्ट्रिच हैज अ डैश टोज ऑन ईच फुट, हर एक फुट में ऑस्ट्रिच के तीन थ्री टोज होते हैं. डग्स हैव अ वेब्ड फीट, उनकी वेब्ड फीट होती है टू स्विम इन वाटर. फिर बर्ड्स होम क्या होता है, उन्हें नेस्ट बोला जाता है. अब डैश मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाई ट्रीज, जो हाई ट्रीज में लंबे पेड़ों में बनाते अपना नेस्ट उसे वल्चर बोलते हैं. ठीक है, वल्चर्स बनाते हैं. फिर देखिए ईगल, ईगल के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक होती हैं. पैरोट के क्या होते हैं, शॉर्ट और कर्व्ड बीक्स होती हैं. फिर उसके बाद सैलोव के क्या होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स होती हैं. और डक के क्या होते हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होते हैं. ठीक है. नाउ सेक्शन बी, इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बुक्स में ही करेंगे. ठीक है. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्स बीक्स हेल्प इन टियरिंग फ्लैश, फ्लैश को तोड़ने, मांस को तोड़ने में ये हेल्प करते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्वीप्स लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट, जो अपने जो लीव्स को, पत्तों को सिल के ये अपना नेस्ट बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड. ठीक है. फिर है अ बर्ड्स विच कैन वॉक ओवर द शेलो वाटर इज कॉल्ड, जो शेलो वाटर में वॉक करते हैं उन्हें वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं. फिर है द बर्ड्स विच सक्स द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड सन बर्ड्स, जो सन बर्ड्स होते हैं वो स्वीट जूस जो फ्लावर का होते हैं उन्हें पीते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि आपको वन वर्ड, टू वर्ड्स में या वन लाइन में लिखना है इसके आंसर. नेम द बर्ड दैट मेक्स इट इट्स नेस्ट ऑन ग्राउंड विद द पेबल्स एंड स्टोन्स, तो पेंगुइन होती है जो पेबल्स और स्टोन से अपना नेस्ट बनाती है. नेम द बर्ड हुज नेस्ट लुक लाइक अ शेलो कप, उस बर्ड के जैसे कि वल्चर है
वल्चर का जो नेस्ट होता है वो शेलो कप की तरह होता है। फिर नेम अ बर्ड ऑफ प्रे, जो ईगल हो गया, काइट हो गया, वल्चर हो गया, ये सब नेम बर्ड है प्रे के, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेचिंग, तो सम बर्ड्स होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री वेरी फ्रीमली टू रेस्ट और स्लीप एट नाइट विदाउट फॉलिंग, दिस एक्ट इज कॉल्ड प्रेचिंग, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द लेग्स ऑफ अ वेडिंग बर्ड्स, यानी कि जो वेडिंग बर्ड्स हैं उनके लेग्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, लॉन्ग लेग होते हैं और वाइड स्प्रेड टोज होते हैं, एकदम स्प्रेड टोज होते हैं, ठीक है। शुगर सीज अ सागर सीज अ पिजन इन हिज कंट्री कॉटयार्ड स्ट्रगलिंग टू फ्लाई एज इट क्लॉज आर कॉट इन अ नेट ट्रैप, सागर रन्स एंड रिलीज द बर्ड फ्रॉम द ट्रैप। सागर ने अपने कॉटयार्ड में देखा कि एक बर्ड है, उसके जो क्लॉज है यानी कि जो उनका पैर है वो एक ट्रैप में फंस गया है, तो उसको उसने जल्दी से जाके उसे वहाँ से मुक्त किया ताकि वो उड़ पाए, ठीक है। विच टाइप ऑफ अ बर्ड इज पिजन, पिजन किस टाइप की बर्ड है, तो पिजन इज द प्रेचिंग और प्रेइंग बर्ड है, ठीक है। पिजन इज अ प्रेचिंग बर्ड, प्रेचिंग और प्रेइंग ऑप्शन दे रखा है, तो पिजन इज अ प्रेचिंग बर्ड, ठीक है। फिर व्हाट वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय सागर, सागर ने हमें क्या मॉरल सिखाया, द सागर शोज द काइंडनेस एंड केयर फॉर बर्ड, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ डज अ ब्रॉड एंड अ फ्लैट बीक विद टाइनी होल्स हेल्प अ डक ईट इंसेक्ट्स, यानी कि जो बर्ड्स जो डक है उसकी जो बीक होती है वो ब्रॉड और फ्लैट होती है, उसमें होल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ताकि जो वो खाए पानी जो मड है वो होल्स में से निकल जाए और इंसेक्ट्स और प्लांट उसमें ही बीक में रह जाए, ठीक है। व्हेन अ डक टेक्स मडी वाटर विद इंसेक्ट्स इन इट्स बीक, द मडी वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टाइनी होल्स लीविंग बिहाइंड द इंसेक्ट्स इनसाइड द बीक्स, ठीक है। फिर व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, गिव थ्री रीजंस, बर्ड्स जो है वो नेस्ट क्यों बनाती है, टू ले एंड हैच एग्स, प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड नेस्टलिंग, फिर उसके बाद है फ्रॉम एनिमीज, प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, इसीलिए बनाती हैं। नेम द टाइप्स ऑफ अ फेदर्स इन बर्ड्स, कौन कौन से टाइप्स के फेदर्स होते हैं वो बताने हैं, फ्लैट फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। हाउ डे दे हेल्प द बर्ड, बर्ड को वो कैसे हेल्प करते हैं, दे गिव द, अब सबके अलग अलग बताने, जैसे कि फ्लाइट फेदर हैं वो हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में, फिर उसके बाद जो डाउन फेदर्स हैं वो बॉडी को वार्म रखने के लिए बर्ड को हेल्प करते हैं, जो बॉडी फेदर्स हैं वो गिव करते हैं शेप देते हैं बर्ड्स की बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।